हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मैं आशा करता हूँ सर बहुत अच्छे होंगे। कि आज एक आपका डाउट था उसके सलूशन के लिए मैं आया हूँ। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है जो आपके चैप्टर 7 से, एक्सरसाइज 7.1 का क्यूब ऑन क्यूब रूट से, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सलूशन है, एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखो कह रहा है, परिचित मेक अ क्यूब ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मेनी सच क्यूबाइड विल ही मेक टू फॉर्म अ क्यूब। यानी ऐसे कितने क्यूबाइड मिला के ये एक क्यूब बना सकती है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्यूब। याद रखिए कि जब भी हम क्यूब बनाते हैं, जैसे ये मेरा मान लो ये आपका क्या दिया है, क्यूबाइड दिया है, क्यूबाइड। इसके साइड की बात कर ले, इसके साइड जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ये मान लीजिए 5 है, ये 2 है और ये आपका 5 है। हाइट भी मान लीजिए 5 है, ठीक है। ये आपको दिया है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको देखो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, वहाँ अगर मैं नंबर की बात करूँ, जो नंबर है वो क्या क्या है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे जो क्यूब था हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्यूबाइट था, क्यूब नहीं क्यूबाइट था, ठीक है। एक बार क्यूबाइट का मैं फिगर आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो हमारा क्यूबाइट था उसकी जो हमें लेंथ गिवन थी वो क्या क्या गिवन थी वो देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो लेंथ ये गिवन थी, एक 5 सेंटीमीटर था, एक 2 सेंटीमीटर था और एक 5 सेंटीमीटर था। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूबाइड मिलके क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये बहुत इजी है, अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर नंबर की बात करें, जो नंबर आपको गिवन है, तो नंबर क्या क्या है, वो नंबर है आपका 2 एंड 5 एंड 5, ठीक है। तो अगर नंबर का फैक्टर करें, नंबर का हम क्या करें, फैक्टर करें, तो नंबर का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो क्यूब बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पेयर चाहिए सर। अभी कितने का, 3 का पेयर चाहिए। कितने का चाहिए दोस्तों, 3 का। मतलब जैसे अगर हमें ए का क्यूब बनाना है तो ए का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सेम यहाँ पे, तो अब आप यहाँ जरा से मुझे बताओ कि सर 2 टाइम तो 5 है और 1 टाइम 2 है, तो किसकी कमी है कि अगर हम इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो हमें किस चीज़ और से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब बताओ। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें एक और 5 चाहिए, क्योंकि जैसे कहा हमने 5 का मल्टीप्लाई किया, ये 5 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए, और हमें चाहिए 2 का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो ये आपका, तो ये जो नंबर है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कितना, 5 टू 10 और 10 टू 20, तो ये आ गया कितना, 20। और यही 20 क्यूबाइड की ज़रूरत उसको पड़ेगी, क्या बनाने के लिए, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। बस बच्चों, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना, हैव अ नाइस डे।